अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, लेकिन हमने प्रोग्राम बनाया है जाने का गेट ऑफ इंडिया, लेकिन अब पता नहीं हम लोग, क्योंकि मन तो है गेट ऑफ इंडिया जाने का, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं बच्चे लोग के कहीं और चलते हैं, मम्मी गार्डन वगैरह और इनके डैडी भी। तो देखिए हम लोग हम लोग ने सामान जो लेना था हम लोगों ने ले लिया है, और हम जाने वाले थे बॉम्बे तो हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ देखकर हम लोगों का माइंड चेंज हो गया और हम लोग यहीं से कुछ खा पी कर और कुछ शॉपिंग कर कर घर लौट जाएंगे। तो अभी बच्चे कह रहे हैं कि मुझे चाहिए लस्सी, तो अभी लस्सी दिला देंगे। हम लोग मालाड मार्केट में हैं और देखिए इतनी भीड़ यहाँ पर भी है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। आपने काट लिया तो
तो ये देखिए नन्हे राजा, ये शर्मा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं घर और बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, दिवाली चल रही है तो बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग वापस आ गए। गए थे हम लोग गेट ऑफ इंडिया पर, गेट ऑफ इंडिया नहीं जा पाए और हम लोग मार्केट्स घूमकर ऐसे ही आ गए। वहाँ पर कुछ जो भी खरीदना था मलिया के लिए, ड्रेसेस वगैरह खरीदनी थी और कुछ वैसे नाइट ड्रेसेस खरीदनी थी मलिया के लिए, वो खरीद ली। और कुछ मैंने बर्तन जो भी कप वगैरह खरीदने थे वो खरीदे, और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग घूमे। लेकिन भीड़ इतनी थी कि आपको मैं बता नहीं सकती, इसीलिए हम लोग वहाँ जाना कैंसिल कर दिए। तो अभी हो गई है रात क्योंकि बहुत रास्ते में देखिए देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। देखिए इनके कलर बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको इससे रिलेटेड और ये देखिए मैं आपको एक छोटे नन्हे राजा से मिलाती हूँ कुछ और जल्दों में पास लेकर। हम लोग अभी बात कर रहे थे तो वो हंस रहे थे और कह रहे हैं ये शर्म आ रही है, बात हो गई। वो आप मुझे बताइएगा क्या मेरी अच्छी बात रहेगी, और अब मैं आपको आपसे पूछूंगी अगर जहाँ मेरी गलती होगी तो आप मुझे बताइएगा, और अच्छी होंगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जहाँ मैंने गलती भूल चुकी होगी तो उसको आप मुझे बताइएगा, वो भी थोड़ा बहुत शेयर करेंगे क्योंकि मेन मकसद यही होता है कि सब लोगों में अच्छी बातें एक दूसरे को मतलब कुछ हम शेयर कर रहे हैं ब्लॉग में, सब बता रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहा है, तो उससे हमारा मतलब बनता है कि हम लोग ये भी बताएं कि क्या हमें नॉलेज है, क्या हम नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उससे हम हो सकता है कि हम लोगों के जो माइंड में नहीं है वो भी आगे चलकर हमारे माइंड में बैठ जाए। तो इसलिए मैंने कुछ अच्छा सोचा है, मैंने ये सोचा है कि कुछ दीन से रिलेटेड आपको भी मैं बताऊं, क्योंकि मैं मुझे आती नहीं है लेकिन जितना भी मुझे मैं पढ़कर सुनाऊं इस व्लॉग में बताऊं। तो अगर ये मेरा डिसीज़न सही है और मैंने अच्छा सोचा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं भी अगर मेरी कुछ गलती होंगी तो इससे क्या होगा ना कि जो मुझे नहीं आता है वो मुझे आ जाएगा और मैं आप लोगों में भी शेयर कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने ये सोचा है। अगर मेरा ये सोचना गलत है तो आप मुझे बताइएगा। वैसे तो मुझे लगता है 100% सबको पसंद ही आएगा, लेकिन अगर मेरा गलत है तो आप बताइएगा सोचना कमेंट बॉक्स में। लेकिन इससे क्या होगा कि मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी, मुझे भी पढ़ने की और आगे बढ़ने की थोड़ी वो होगी कि चलो ये मेरे दिमाग में कुछ आया और ये, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ जैसे हदीस की बात है या कोई वाक़यात है या जो भी है तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करें, तो जो भी मेरी बहन है तो मुझे सपोर्ट करेंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने सोचा है वो सही है या गलत है। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।